हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जैव प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक ज़रूर रहिएगा। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है, बायोचिप्स को और किन नामों से जाना जाता है? आंसर है डीएनए सूक्ष्मवीव, यानी कि डीएनए माइक्रोरी के नाम से जाना जाता है बायोचिप्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिडोमा तकनीक द्वारा एकल क्लोनी प्रतिरक्षी का उत्पादन किसने किया था? आंसर है जॉर्ज कोहलर व सीजर मिल्स्टी ने 1975 में किया था हाइब्रिडोमा तकनीक द्वारा एकल क्लोनी प्रतिरक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन कैसे बनी थी? तो डार्विन ने क्या था, विकास का सिद्धांत दिया था, और इनकी एक पुस्तक थी सिस्टम ऑफ नेचुरा। इनमें के आधार पर जो जिराफ की आज लंबी गर्दन है वह पहले नहीं थी, तो इनकी गर्दन जो है वह लंबी कैसे हुई? तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण ही इनकी गर्दन जो है वह लंबी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की खोज किसके द्वारा की गई थी? आंसर है हैमिल्टन ओ स्मिथ, थॉमस केली एंड केंट विलकॉक्स द्वारा की गई थी। कब? 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है वह रेप्टाइल्स और पक्षी वर्ग जो होते हैं बर्ड्स, सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की योजना की कड़ी है। मतलब इसको सरीसृप में भी वर्गीकृत किया गया है और साथ ही साथ पक्षी वर्ग में भी इसको वर्णित किया गया है, इसलिए ये दोनों के बीच की कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? आंसर है हंगरी के कृषि अभियंता, नाम है कार्ल इरेकी। 1919 में इन्हीं के द्वारा बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर है जैक विलियमसन ने। इन्होंने अपने उपन्यास ड्रैगन्स आइलैंड में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले संपूर्ण जीन संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? तो यह हरगोविंद खुराना और उनके साथियों के द्वारा सबसे पहले जो जीन का संश्लेषण होता है उसको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? वह कौन सी है? चीता के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन सा है? तो वह है क्रोमैग्नॉन मानुस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ के क्लोन डॉली का विकास किसने किया? आंसर है इयान विलमुट और उनके साथियों ने। जो भेड़ का क्लोन है डॉली, उसको किसके द्वारा विकास किया गया था? इयान विलमुट व और उनके साथियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया के उपचार में सबसे पहले जो जीन थेरेपी है इसका सफल उपयोग किसने किया था? ब्रेहस व कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जो है वह इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी कैरी मुलिस ने। सबसे पहले डीएनए जीन चिप का निर्माण किसने किया था? तो
तो जो जीन चिप है उसका निर्माण सबसे पहले स्टीफन पी.ए. फोडार और उनके साथियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने की स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। उनमें जो अंगों का लोप हो रहा है वह किसके कारण है, कि वह कौन से अंग का उपयोग सबसे अधिक करते हैं और कौन सा अंग का उपयोग सबसे कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु भोजी फेज या जीवाणु वायरस की खोज किसने की थी? आंसर है फ्रेडरिक डब्ल्यू वार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीनोम अनुक्रमण कब पूर्ण हुआ था? यह सन 2003 में पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का पहला जीनोम किसके द्वारा कब पूरा हुआ था? तो वह 2001 में पूरा हुआ था, चावल का जो पहला जीनोम था। नेक्स्ट है, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी है इसके अंतर्गत पुनर्योगज डीएनए, एक क्लोनी प्रतिरक्षी तकनीक व अनुवांशिक अभियांत्रिक से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। जैविक नियंत्रण व खाद्य पदार्थ किण्वन से संबंधित क्षेत्र ईपीएस का शब्द विस्तार लिखिए, मतलब ईपीएस का फुल फॉर्म क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमर सब्सटेंस। और एनबीटीबी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड। और डीबीटी का फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1882 और 1986 में होता। देखिए एनबीटीबी जिसका फुल फॉर्म नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड है इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, और डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। और यहाँ पर जो शब्द पूछा है ईपीएस फुल फॉर्म एस्ट्रा सेलुलर पॉलीमर सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के विकास जिसको इवोल्यूशन कहा जाता है इसके संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसके क्रम में सालामेंडर, अजगर और कंगारू, ये क्रम जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NBPGR का शब्द विस्तार क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। एक बार और देख लेते हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर CIMAP कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले हम लोग इसका CIMAP का फुल फॉर्म देखते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। यह कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि एवं एरोमेटिक पादप संस्थान जो है वह लखनऊ में स्थित है। लखनऊ कहाँ है? यह यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के को उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विकास का जो उत्परिवर्तन है इसका सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैमथ जो है वह किसके पूर्वज हैं? तो वह हाथी के पूर्वज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर किसके पूर्वज थे? तो यह मेसोजोइक सरीसृप के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह त्रिवेंद्रम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KINFRA जैव प्रौद्योगिकी पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वह पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो विकासवाद का सिद्धांत जो दिया था वह थे डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विकास इवोल्यूशन की सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जीव विकास या इवोल्यूशन को सबसे पहले जो समझाया था वह लैमार्क ने समझाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर बग इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? आनंद मोहन चक्रवर्ती ने। आनंद मोहन चक्रवर्ती ने सुपर बग की खोज की थी, सीडोमोनास प्यूटिडा प्रभेद जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना जब की गई थी वह थी 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? तो जैव विकास के पक्ष में हमें जो प्रमाण मिलता है, प्रूफ मिलता है, वह कहाँ से मिलता है? फॉसिल्स से या फिर जीवाश्म से। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किससे किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बीज के फलों को विकसित करने की जो विधि है उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है टिश्यू कल्चर। बिना बीज के ही फलों को विकसित करना टिश्यू कल्चर कहलाता है, और बिना मिट्टी के पानी में पौधों को उगाना कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के औद्योगिक विकास संगठन द्वारा सन 1983 में नई दिल्ली में किसकी स्थापना की गई थी? तो नई दिल्ली में ICGEB, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना की गई थी 1983 में, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के औद्योगिक विकास संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉली क्लोन के निर्माण में किस कोशिका के केंद्रक का उपयोग किया जाता है? तो जो डॉली क्लोन बना किया जाता है वह उसके कोशिका के केंद्रक में फिन डोरसेट भेड़ की स्तन कोशिका के केंद्रक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, डार्विन की एक पुस्तक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यह कब प्रकाशित हुई थी? तो 1859 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कौन सा पौधा चुना था? तो उन्होंने गार्डन पी मटर का पौधा चुना था, और इसी में उनके द्वारा प्रयोग किया गया था, और मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे पास जैव प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।